हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं ओल का बहुत ही टेस्टी चटनी। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत यमी लगता है। चावल, पराठे, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लिए हैं एक ओल और इसे हम काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हम इसके छिलके को इस तरह से हम चाकू की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे। और ये थोड़ा सा इसका जो छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए आप चाकू से निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। यहाँ हमारा छिल चुका, अब इसे फिर से वॉश करके इसे छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आप देख सकें। यहाँ हमारा जो है पीस में कट चुका है, अब इसे हम करेंगे बॉयल। तो यहाँ एक पैन लेंगे, उसमें पानी डाल के पानी जब गुनगुना हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच भर के नमक। यहाँ हमारे पानी में हल्का सा बुलबुला आ रहा है तो इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे कटा हुआ ओल, क्योंकि हमें इसे करना है बॉयल। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ अब इसे ढक के हम 20 मिनट तक छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ हम लेंगे लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, इसे हम बारीक काट लेंगे। नींबू के रस को हमने निकाल लिया है। यहाँ लेंगे हम लगभग एक बड़ा चम्मच पीला सरसों, इसे भी हम पीस लेते हैं हल्का सा पानी डाल के। यहाँ हमारा सरसों पीस चुका है। अब यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुका है और हमारा ओल जो है वो अच्छे से पक चुका है। यहाँ देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। तो अब गैस को कर देंगे बंद और ओल को हम छान लेंगे और इसे एक पानी से वॉश भी कर लेंगे। यहाँ हमारा ओल छन चुका, अब इसे हम मैश कर लेंगे। और ध्यान रखें कि इसे हम पूरा मैश करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। यहाँ हमारा अच्छे से मैश हो चुका है ये हमारा ओल, आप देख रहे हैं बिल्कुल इसमें लम्प्स नहीं है। और फिर इसे हम बाद में भी अच्छे से मिलाएंगे, तब तक इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ जो हमने अदरक को कद्दूकस किया था, हरी मिर्च बारीक काटा था, उसके बाद 10 से 12 लहसुन को जो हमने छील कर काटा था, सारे कटे हुए इंग्रेडिएंट इसमें हम डाल देंगे। अब ये जो नींबू का रस था उसको भी हम डाल देंगे इसी में। उसके बाद जो पीसा हुआ सरसों था उसको हम डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें हींग, क्योंकि हींग डालेंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन और कलौंजी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम। उसके बाद इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम नहीं करना है, ऐसे ही नॉर्मल तेल डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इतना अच्छे से कि इसमें ना लम्स रहे और ना थोड़ा सा भी इसमें गांठे रहे। और बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप इसे एयर कंटेनर डब्बे में रख दें तो आप इसे 1 महीने तक भी बहुत इजीली आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको 1 महीने तक रखना है तो इसमें 2 चम्मच तेल ऊपर से फिर से डाल दें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी चटनी बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।